हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवध गुरु में। आप जान ही रहे होंगे कि इस समय हम लोग बेसिक अप अकाउंट के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि जर्नल एंट्री किस प्रकार से की जाती है। अगर हमें किसी भी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करनी है तो वो हम कैसे करेंगे और उसमें प्रयोग होने वाले कुछ नियम के बारे में बात करेंगे कि जब हम एक जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं तो उसमें आने वाले सामान्य नियम जो होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को जरा भी स्किप मत करिए और अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करिए और अपने चाहने वालों से बोलिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी भी लेन देन की जर्नल एंट्री को करना। तो लेन देन क्या होता है और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांजेक्शन को लिखा कैसे जाता है। ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए कुछ इस प्रकार के टेबल का प्रयोग करते हैं जिसमें डेट और ट्रांजेक्शन लिखा जाता है। डेट, जिस डेट में वो ट्रांजेक्शन या लेन देन होता है उस डेट को यहाँ लिखा आता है, और जो भी लेन देन हो रहा है उसको दूसरे कॉलम में लिखते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन हुआ है, यहाँ पर हमने कैश पे किया है आनंद एंड कंपनी को 7,500 रुपये। तो इसको डेबिट और क्रेडिट के रूप में कैसे जर्नल एंट्री की जाएगी इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में ये देखना कि इसमें ऐसे दो शब्द कौन से आ रहे हैं जो किसी अकाउंट से संबंधित हों। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक कैश आ रहा है और दूसरा आनंद एंड कंपनी आ रहा है। कैश जो है ये हमारा रियल अकाउंट में आता है और आनंद एंड कंपनी जो है ये हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे हमें रियल अकाउंट का गोल्डन रूल और हमें पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल पता होना चाहिए। इसको और शॉर्ट में समझने के लिए हमने कुछ सिंपल से नियम बनाए हुए हैं जो कि अकाउंट से ही हैं। अगर उनको याद रखते हैं हम तो हमारा ट्रांजेक्शन जो है उसकी जर्नल एंट्री करना और भी आसान हो जाता है। तो अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि कैश जो होता है वो आने पर DR होता है और जाने पर CR होता है। तो हम यहाँ पे कैश को पे कर रहे हैं तो कैश हमारा जा रहा है, तो इस हिसाब से जो हमारा कैश होगा वो CR होगा। तो जो भी CR होता है उसे नीचे लिखा आता है 2 के साथ में। जब एक पता चल जाता है हमें कि ये हमारा CR है तो दूसरा अपने आप से हम लोग DR कर लेते हैं, यानी अगर हमने एक को DR निकाल लिया तो दूसरा अपने आप CR कर देंगे, या इसको मैंने CR निकाल लिया तो दूसरा अपने आप DR कर लेंगे। यानी कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट आ रहे हैं तो एक DR होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली CR हो जाता है। किसी भी ट्रांजेक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों अकाउंट DR या दोनों अकाउंट CR होंगे। तो यहाँ पर कैश हमारा जा रहा है इसलिए हमने कैश को किया CR, और आनंद एंड कंपनी जो कि कैश को प्राप्त करेगा जिसकी वजह से वो रिसीवर कहलाएगा तो रिसीवर होते हैं DR। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि DR कब होता है, CR कब होता है पर्सनल में, DR कब होता है, CR कब होता है रियल में, और नॉमिनल में कब DR होता है कब CR होता है। तो हमारा कैश जो है ये रियल अकाउंट में आता है और कैश जाने पर CR होता है, कैश आने पर DR होता है। ऐसे ही आनंद एंड कंपनी को हम पे कर रहे हैं तो आनंद एंड कंपनी जो है वो रिसीवर है इसलिए इसको DR करेंगे। अब इस DR CR को यहाँ पर जान लेने के बाद उसको लिखने की जो प्रक्रिया है या लिखने का जो तरीका है उसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। अब उसके लिए यहाँ पे नीचे बनाया गया है टेबल, इसमें डेट, पार्टिकुलर, LF, DR और CR के कॉलम बनाए गए हैं। इसमें डेट के कॉलम में हम डेट लिखते हैं, पार्टिकुलर कॉलम में DR और CR को लिखा आता है। इसमें ऊपर की तरफ DR को और नीचे की तरफ CR को लिखा आता है। जो पार्टी DR होती है उसका नाम विथ अकाउंट इस किनारे पर हम लोग DR लिखते हैं और उसका जो भी अमाउंट होता है वो यहाँ पर लिख देते हैं, और जो भी पार्टी CR होती है उसको नीचे की तरफ
नीचे की तरफ टू के साथ, जैसे कैश हमारा जो है वो सी आ रहा है, तो उसको नीचे की तरफ जो हमारा कैश सी आ रहा है इसको नीचे की तरफ टू के साथ लिखा जाएगा, और जो हमारा डी आर है उसको ऊपर की तरफ डी आर के साथ में लिखा जाएगा। ये हमारा बेसिक सा रूल है किसी भी ट्रांजेक्शन को जनरल एंट्री में लिखने का, कि जो भी डी आर होगा उसे ऊपर लिखा जाएगा और जो सी आर होगा उसे नीचे टू के साथ में, और यहाँ पर थोड़ी सी जगह भी छोड़ी जाती है। तो यहाँ पर आनंद एंड कंपनी डी आर, उसके बाद अमाउंट लिखते हैं 7500, फिर जो सी आर है उसको नीचे टू के साथ में लिखते हैं टू कैश, और उसका अमाउंट लिखते हैं सी आर के कॉलम में। तो इस तरह से एक ट्रांजेक्शन जो है कि जनरल एंट्री को इस प्रकार से किया जाता है। तो ये होता है किसी भी ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री को करना। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ नियम है यहाँ पर जिन्हें हम समझ लेते हैं तो हमारी एंट्री और भी आसान हो जाती है। जैसे जब कभी भी हमारा बिजनेस जो है वो स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, यानी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आ रहा है जिसमें बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट को लिखते हैं। अगर हमारा गुड्स परचेज हो रहा है तो वहाँ पे परचेज अकाउंट लिखा जाता है। अगर हमारा गुड्स सेल हो रहा है तो यहाँ पे सेल अकाउंट लिखा जाता है। लेकिन अगर परचेज गुड्स ना हो करके कोई भी एसेट्स है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज प्रिंटर, तो परचेज प्रिंटर जो है ये प्रिंटर हमारा गुड्स नहीं है, ये हमारा एसेट्स है। तो जब परचेज के साथ में गुड्स नहीं होता है, कोई एसेट्स होता है, तो यहाँ पे एसेट्स अकाउंट बनाया जाता है। जो मेन समझने वाली बात है वो ये है कि जब परचेज गुड्स होता है, जब परचेज गुड्स होता है तो वहाँ पे परचेज अकाउंट लिखाता है, लेकिन जब परचेज प्रिंटर या कोई एसेट्स होता है तब यहाँ पर एसेट्स का नाम लिखते हैं। तो परचेज प्रिंटर है तो यहाँ पर प्रिंटर अकाउंट लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा सेल प्रिंटर है तो यहाँ पे प्रिंटर अकाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे जो मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर परचेज गुड्स है तो जो हम जनरल एंट्री करेंगे तो वहाँ पे परचेज अकाउंट लिखा जाएगा, और जब परचेज कोई एसेट्स होगा तो परचेज को ना लिख करके जो भी परचेज किया जा रहा है, जो भी एसेट्स परचेज किया जा रहा है उस अकाउंट के बारे में लिखा जाएगा। अब आते हैं आगे, इसमें समझते हैं कि परचेज जो होता है हमारा ये हमेशा डीआर होता है। अगर हमें डेबिट और क्रेडिट करना है तो कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे परचेज जो होता है हमारा वो हमेशा डीआर होता है, परचेज गुड्स कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट आएगा, तो परचेज को ऑलवेज डीआर करते हैं। ऐसे ही सेल को हमेशा सीआर करते हैं। अगर कैश आ रहा है तो कैश को डीआर, और कैश अगर जा रहा है तो कैश को सीआर। अगर इस नियम को आप याद कर लेते हैं तो जो आपका ट्रांजेक्शन होता है वो बहुत ही आसानी से डेबिट और क्रेडिट में हम लोग कर लेंगे। जैसे परचेज हमेशा डीआर होता है, सेल हमेशा सीआर होता है, कैश आने पर डीआर होता है, कैश जाने पर सीआर होता है। जो हमारे अकाउंट का गोल्डन रूल है उसी में से इसको फिल्टर करके थोड़ा सा आसान बना दिया गया है। चलिए इस नियम को याद रखते हुए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक डेट और ट्रांजेक्शन करके कुछ ट्रांजेक्शन को लिखा गया है, जिसमें सबसे पहले है बिजनेस स्टार्ट विथ कैश रुपीज 12,000, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश रुपीज 12,000 रुपये यहाँ पे से बिजनेस शुरू किया गया। तो यहाँ पे जो 12,000 से बिजनेस शुरू किया गया है इसमें हमारा सबसे पहला अकाउंट जो बन रहा है वो बन रहा है कैश अकाउंट। क्या बन रहा है? कैश अकाउंट बन रहा है। दूसरा जो बन रहा है वो बन रहा है कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ पे कैपिटल तो लिखा नहीं है। तो जो अभी आपको नियम बताया गया है उस नियम के आधार पर अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। जब बिजनेस शुरू होता है तो वहां पे लिखाता है कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हमारा कैश है। तो जब बिजनेस शुरू होता है तो हमको समझना है कि कैपिटल हमारा डीआर होगा कि सीआर होगा। ठीक है, तो आपको पहली बार कैपिटल का सामना करना पड़ रहा है इसलिए शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन अभी आपने देखा पीछे जो नियम बताया गया है उसके आधार पर बताया गया है कि कैश आने पर डीआर और जाने पर सीआर। तो अगर हम समझ लेते हैं कि बिजनेस स्टार्ट होने पर कैश आ रहा है कि जा रहा है तो इसको हम लोग डीआर सीआर कर लेंगे, और जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा कैपिटल। तो समझते हैं कि जो हमारा कैश है ये क्या होगा। देखिए जब भी बिजनेस शुरू होता है
तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता होती है पूंजी को इकट्ठा करना, जिसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो अगर हम एक बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा पहला काम होता है कैश को अपने बिजनेस में लाना, यानी जब भी बिजनेस शुरू होगा तो कैश जो है वो आएगा, और कैश आने पर क्या होता है, DR होता है। तो कैश यहाँ पे हो गया DR, तो इस तरह से कैपिटल हो जाएगा CR। ठीक है, दूसरे में आते हैं। दूसरा जो हमारा ट्रांजेक्शन है, इसमें बताया गया है परचेज गुड्स फ्रॉम अमन वर्थ ₹4,500। तो यहाँ पे जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा परचेज अकाउंट और बनेगा अमन अकाउंट। अब बताया गया आपको कि परचेज जो होता है वो ऑलवेज DR, तो परचेज यहाँ पे हो गया DR, तो यहाँ पे अमन हो गया CR। इसी प्रकार सेल गुड्स है तो यहाँ पे बनेगा सेल अकाउंट और बनेगा कैश अकाउंट। सेल हमेशा CR होता है, तो सेल हो गया CR और कैश हो गया DR। इसी प्रकार अगर हम परचेज कंप्यूटर करते हैं तो यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं बनेगा, जब परचेज गुड्स होता है तब परचेज अकाउंट बनता है। यहाँ पे परचेज कंप्यूटर है तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। तो परचेज कंप्यूटर जब करेंगे तो हमारा कैश जो है वो आएगा कि जाएगा, जरा आप सोच के बताइए कि जब हम परचेज कंप्यूटर करेंगे तो कैश हमारा आएगा या जाएगा। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर खरीदेंगे तो कैश हमारा जाएगा, और कैश जाने पर CR होता है, तो ये CR हो गया और कंप्यूटर हमारा DR हो गया। इसी प्रकार जब हम सेल प्रिंटर करेंगे, जब प्रिंटर को बेचेंगे हम, तो यहाँ पे प्रिंटर अकाउंट बनेगा, प्रिंटर अकाउंट बनेगा और दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। जब हम प्रिंटर को बेचेंगे तो कैश जाहिर सी बात है आएगा, जब हम खरीद रहे हैं तो कैश हमारा जा रहा है, और जब प्रिंटर को बेच रहे हैं तो कैश हमारा आ रहा है। इसी प्रकार कैश आने पर हो जाएगा DR और प्रिंटर जाएगा हमारा CR। तो जो आपको बेसिक से नियम बताए गए कि परचेज हमेशा DR होता है, सेल हमेशा CR होता है, कैश आने पर DR होता है, कैश जाने पर CR होता है, अगर इनको हम याद रखते हैं तो जो हमारा ट्रांजेक्शन है, जो हमारे डेबिट क्रेडिट करने की प्रक्रिया है, वो बहुत ही आसान हो जाती है। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।